सिवान के महाराजगंज के वशियर मोड़ के समीप दो लोगों की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि यह घटना है अभी से कुछ देर पहले की, जहां पे अनाधुन फायरिंग करते हुए दो मोटरसाइकिल सवार फरार हो गए हैं, जिसमें चार लोगों को गोली लगी है। उन्हीं चार लोगों में से दो लोगों की हत्या हो चुकी है और दो लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल उनके डेड बॉडी को सिवान सदर अस्पताल लाया गया है, जहां काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल है, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि यह बड़ी घटना है सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र के वसियर मोड़ के समीप, जहां अनाधुन फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए हैं और इस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई है। दो लोगों में से एक व्यक्ति का नाम अरमान है, वहीं दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। यह पूरी घटना एक प्रत्यक्षदर्शी ने देखी है, जो सिवान सदर अस्पताल दोनों का लाश लेकर आया है। फिलहाल घटना के बाद स्थानीय स्तर पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो भाई जा रहे थे मार्केट से, घर रास्ते में मार दिया। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग दो लोग थे, हम हमारा फ्रेंड है। कौन लोग मारा, क्या कुछ पता चला है? नहीं भाई, वो लोग ऐसे हवाई फायरिंग कर रहा था और ऐसे आदमी जितना मिल रहा था रास्ते में सबको मार रहा था। क्या कुछ बोला भी था उसके बारे में? ना ना। अरे आपको क्या करा? और भी लाश गिरा है महाराज में। कितने लोगों को लगे लगभग? तकरीबन तीन लोगों को सामने देखे, तीन लोग मारते हुए देखे। कितने लोगों को मारते हुए? तीन लोगों को भाई, और दो लोग को हम एक को नहीं पहचानते, उनको भी लेकर आए अस्पताल में। क्या चीज़ से खेलो, कौन सा हथियार? वो बाइक से खेलो और तीनों को बंदूक, एक आदमी चला रहा था पीछे के बैठा था, वो तीनों को बंदूक लिया था, वैसे ही फायरिंग कर रहा था भाई, बाइक पे देख देख सबको मारा। कहाँ पे मारते हुए? किस दिशा में गया है सर? उधर ही जा रहा था भाई, उधर बलबांगा साइड। ये घटना कहाँ पे हुआ है जो आप? वशियर मोड़ के बगल में भाई, और स्टेट बैंक के पास महाराजगंज। आप लोग मार्केट करने आए थे? हाँ। वो लोग कौन लोग थे वहाँ पे, किस लिए आए थे, किस तरह फायरिंग करते, कुछ पता चला है? नहीं भाई। जिनको मौत हुआ है उनका क्या नाम है? अरमान अंसारी। घर कहाँ है? रकुंदपुर। आपका नाम? सरपंच। आप उनके क्या लगेंगे? फ्रेंड है।